नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जनपद के गांव गरीबा में। यहां पर प्रगतिशील किसान हैं जो काफ़ी 20-25 सालों से आलू की खेती कर रहे हैं। पूरी निर्भरता इस क्षेत्र की आलू पर ही है। ऐसे में एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आलू में इस बार प्रोडक्शन कैसा निकलेगा, क्या है, क्योंकि दावा बहुत भयंकर भी किया जा रहा है और बहुत बम्पर भी किया जा रहा है। ऐसे में किसानों से एक बात जानने के लिए हर कोई उत्सुक है, आखिर नुकसान है या पैदावार सही है। अगर पैदावार सही है तो क्या आंकलन है, और अगर नुकसान है तो क्या स्थिति है। क्या बीते वर्षों से आलू के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है अथवा सेम आपका क्षेत्रफल है। ऐसे में किसान से ही पूछ लेता हूं, आने वाला भविष्य किसी और ओर संकेत कर रहा है, और वो भी आप लोगों को पता है किस ओर संकेत कर रहा है। और ऐसे में जितना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं उतने अच्छे दाम मिल जाएंगे, और नहीं कर पाए और इसी उसी में रहे तो फिर कोई नुकसान भी आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि नुकसान की वाली बात जो है अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि समय अभी खुदाई भी नहीं हुई है, उससे पहले कैसे हम आकलन कर सकते हैं। तो मेरे साथ भैया मौजूद है। नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या स्थिति है इसमें? स्थिति ये है, देखो अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि स्थिति ये है कहीं भी बम्पर फसल बता रहे हैं, कहीं ख़त्म बता रहे हैं। देखो ये तो खुदाई के बाद ही रिजल्ट आएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। लोग कहीं तो बता रहे हैं 80 कट्टे का बीघा निकलेगा, कोई बता रहा है 40 कट्टे का। मेरा किसानों से अनुरोध है कि वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, और आने वाला समय है, अब 10-15 दिन और रह गए, उसके बाद सारा आंकड़ा सामने आ जाएगा। जो कुछ होना है प्रकृति की देन है, जिसको जितना दिया है वो तो भाई आगे आना है, और इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूं अपने इस क्षेत्र की ही, तो गरीबा गांव के आसपास जैसे देखने में आ रहा है, हम ये फसलों को बार बार देख रहे हैं, आप भी सुबह से घुमाए हुए हैं, पूरे बरा में ही हो पिपरा में ही हो, इधर देख रहे हैं तो सब चारों तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा है। और फिर क्या बात आ जाती है, ये इतना नहीं निकलेगा। आखिर किसान एक दूसरे की खिंचाई क्यों कर रहा है कि जैसे कि मेरा तो निकले बढ़िया और तुम्हारा निकले नीचे। ये तो रोज़ की कहावत है, कभी भी आलू खुदाई होती है किसी आदमी को कोई बताता है मेरा 80 का, जब कम निकलता है तब भी 80 का निकलता है लोग का, और सामने वाले का 40 का निकलता है, चाहे उसका 60 का हो। कंडीशन यही है, सेम कंडीशन है। लोग अपना तो चाहता है कि मेरा 80 का निकले, सामने वाले का चाहेगा कि वो 40 का निकले। यही कंडीशन है आलू की, जो भी कंडीशन है वो सामने देखो, भगवान कोई नहीं है और किसी ने दूरबीन नहीं लगा रखी है कि इसमें कितना गिन के रखा है। जो कुछ है वो तुम्हारे सामने 2-4-6-10 दिन में सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन मैं किसानों से यही अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, नहीं ये कंडीशन ना हो जाए कि कहीं घाटे में पहुँच जाए, और आप कम है उसके भी पीछे मत रहो, और ज़्यादा है कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बुद्धि और विवेक से जो भी करना है वो अपनी बुद्धि विवेक का आकलन करें। कुछ भी नहीं है, जो भी है अपने आप पैदा करते हो, आपकी फसल है, आपको ही फैसला लेना है कि हमें क्या करना है, और पता भी आप ही को है कि हमारी फसल कैसी और प्रोडक्शन कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने लगाया है, हमें मालूम है कि इसमें ये बुआ है, इतना खाद डाला है, इतना पानी लगाया है, इतना हमने स्प्रे किया है, तो हमें मालूम है कि हमने इसमें क्या लगाया है और हमारा प्रोडक्शन कहाँ तक आ सकता है। फिर ये अफवाहों पर ध्यान न दें, जो कुछ है वो तुम्हारे सामने आएगा जब तुम अच्छा लगाओगे, अच्छा बीज बोओगे, अच्छा खाद लगाओगे। तो परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि आदमी को अच्छी फसल नहीं दे। भैया एक बात आ रही है कि इस समय पर आपने देखा होगा फरुखाबाद कन्नौज और इस मंडी में, और जब किसान ये कह रहा है कि भयंकर नुकसान है, और कई फेसबुक और यूट्यूब अभी दावा कर रहे हैं कि बहुत नुकसान है, फिर आज की अगर मैं कंडीशन बताऊं, आज 8 तारीख हो गई, 8 फरवरी है, और आज की कंडीशन बताऊँ 300 से 350 कन्नौज की मंडी में, और आपकी कानपुर चक्रपुर मंडी में आज 450 की तकरीबन गाड़ी हैं, और अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में भी 110 गाड़ी हैं, और आपकी दिल्ली की बात करें तो आज जो है 138 गाड़ियों की आज आवक है, और 250 रुपये से लेकर 450 रुपये चला है, और जबकि LR सबसे महंगा आलू बिकने वाला आज उसके दाम भी 450 तक ही सीमित गए। बाकी आप नीचे देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। आखिर हम जो है नुकसान बता रहे हैं, फिर नुकसान है कहाँ जब इतनी तादाद में मंडियों में गाड़ी बैलेंस बन रही है, आलू की लोड वो हो रही है, आखिर माजरा क्या? माजरा ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा किसानों के अंदर डर है, इस बार सबसे ज़्यादा डर ये है कि कुछ तो लोगों में होता है और कुछ ज़्यादा बना दिया है भाई। अब इतना डर बना रखा है लोग को, ये नज़र आ रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं आलू स्टोर के बाद भी फिके, स्टोर से ऊपर आलू जाए। वो लोग चाह रहे हैं कि ये फसल तो हमारी हाथ से निकल गई, आगे वाली फसल लगाएंगे, समय पे इसकी खुदाई करो, इसको बेचो। और मक्का है, कोई मेथा लगाएगा, कोई मक्का लगाएगा, कोई कुछ बाजरा बोएगा, वो भी जल्दी, जो तरबूज है खरबूज है कुछ भी बोने वाला है वो अपनी उसको बांध के, ये तो निकल गई भाई, आगे वाली फसल की तैयारी करो। सबसे ज़्यादा तो खुदाई का ये है। दूसरी बात ये है कि आलू इस बार क्षेत्रफल में ज़्यादा लगा है, लोगों में ये नहीं है कि आप
सोशल मीडिया के जरिए जान सकते हो। आप अपने गांव के आसपास का ये आकलन देख लीजिए। नहीं, इस बात से तो मैं भी वो हूँ, क्योंकि जब आलू की बुवाई हो रही थी ना, तब हर एक व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, चाहे वो कोई सा भी ट्रेडर फॉरम हो, उस पर दावा किया जा रहा था, अरे हमारे उधर खेत में जिसमें गेहूं लगता था उसमें आलू लगाया, हमारे यहाँ पे इतना रकबा बढ़ गया, हर किसी से सुनते थे वो यही बताता था। और अब जब खुदाई का सीजन आ गया तो अब नुकसान हो गया, अब तो कुछ बचो ही ना, क्या है। और फिर ये देखो, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान को सबसे ज़्यादा एक तो लोअर कास्ट आदमी माना जाता है, किसान रहता है 80% किसान को जानकारी नहीं है, लोग यूट्यूब सोशल मीडिया या अखबार वगैरह से बाहर रहते हैं, लोग अपने खेतों में रहते हैं। मैंने उनसे बोल दिया भाई आलू बहुत ज़्यादा है, वो सामने वाला समझ गया कि हाँ भाई आलू ज़्यादा, उसने एक आदमी से सुना, अगले वाले से सुना, तीसरे से सुना, क्योंकि वो सुनता है, यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाता है, तो वो उस वजह से भी है। लेकिन नुकसान का, और नुकसान का ये है कि किसी ने बता दिया भाई वहाँ वो वहाँ सुन रहा था, वो लड़का कह रहा था, वो फ़ोन पे बता रहा था, उसने वो सुनाया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, यानी दोनों ही तरह से किसान हमेशा से आज तक इतिहास उठा के देख लो हमेशा ही गुमराह रहा है। भैया एक बात आती है, कई मैंने देखा है कि हमसे किसान ये कह रहे हैं, सोनो भैया आप जो है कोल्ड वालों से लोन नहीं देने दोगे, बारदाना मिलता है वो भी नहीं लेने दोगे, जो नुकसान बताओ हमें, बारदाना मिल जाए और लोन भी मिल जाए, क्या हम जो आलू का उत्पादन कर रहे हैं वो कोल्ड मालिकों के ऊपर कर रहे हैं या अपने ऊपर कर रहे हैं? देखो 2022 में किसान को अच्छा पैसा मिला है, मेरे हिसाब से किसान ऐसा 90% किसान ऐसा है जिस पर अपनी खुद की व्यवस्था आज की डेट में है। लेकिन लोगों को आलू वाले की क्या है कि मेरे पास जो रखा है उसे तो रखे रहने दो, सामने वाले से उस स्टोर से बारदाना लेंगे, दूसरे में चले गए वहाँ से पैसे ले लिए, उनकी ये पहले से ही वो सोच रहती है। हम कहते हैं आदमी जागरूक बनो, अपना खुद का पैसा लगाओ, हम जब फसल में अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं, खेती में खुद का पैसा लगा सकते हैं, इसको धराई और उसके लिए क्या परेशानी है। आप अपने सहयोग से अपने उससे मजबूत, अब आप मान लो मैंने 1000 कट्टे का प्रोडक्शन किया और 1000 कट्टा मैंने खुदाई करके अब स्टोर में रख दिया, उससे पैसे नहीं लिए, अब मान लो 1000 कट्टे का 600 रुपये कट्टे का 6 लाख रुपये का मेरा आलू बिका, तो भाड़ा कट के 5 लाख रुपये या 4-4.5 लाख रुपये मेरे हाथ में तो आएंगे। और जब किसान बोलता है कि पहले पैसे उससे ले लिए, ब्याज लगा, स्टोर का भाड़ा, बारदाने के पैसे, अब ये बताओ वहाँ से पैसे नहीं वापस आए, तो अब यार किसान कहाँ से वो करे, पहले ले लिया दोबारा कहाँ से आएगा। तो मैं ये कहता हूँ अपनी व्यवस्था खुद करो, व्यवस्था करोगे तो आगे पैसा मिलेगा, कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, जहाँ आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपको मिलना है। अब ये तो भाई आप अपने ऊपर सारी व्यवस्थाएं आदमी को अपने ऊपर करनी पड़ती हैं। फिर ये जो है नुकसान दिखाओ और हम कोल्ड वाले से लोन मिल जाएगा, और कई फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं और वो अनगिनत टिप्पणी कोल्ड वालों के ऊपर कर रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया, ये इन्होंने गलत किया, क्या गलत किया है, कोई गलत नहीं किया है, वो आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि आप जो है, मैं एक बात कहता हूँ, बेटा जनो है तो कब पराई लुगाई पे जनो है, एक गांव में कहावत आती है, अगर बेटा जनो है तो कब दूसरे पे जनो है, खुद के लिए ही तो है। अगर आप आलू कर रहे हो तो कोल्ड मालिकों के ऊपर निर्भर होके कर रहे हो, सीधी उससे काम लीजिए बुद्धि विवेक से कि ये जो आलू है ना वो आपको प्रॉफिट भी देगा, और अगर कोल्ड मालिकों के भरोसे अगर आप आलू कर रहे हो तो नुकसान भी देगा। अगर ये बात है देखो सुनिए मेरी बात, अगर मैं सेल्फ रखता हूँ किसी कोल्ड में, आलू मेरा सेल्फ रखा है और मैं जब चाहूँगा गाड़ी लेके आ जाऊँ, कहीं भी मेरे को मंडी लोड करनी है, स्टोर मालिक ये नहीं कह सकते हैं कि आप गाड़ी आलू क्यों लोड कर रहे हो, उनका भाड़े की बात है, आप अपना भाड़े का डीडी लगा दो, मेरी मर्जी है, मैं सेल्फ। और जब आप कोल्ड के अंदर आप डंप हो जाओगे, इसके अंदर पहुँच जाओगे, तो आप कभी नहीं कह सकते हो कि मैं इस आलू को निकाल ले जाऊंगा कि ये करूंगा, वो बोलेंगे पहले हमारा पैसा चुकता करो, भाड़ा चुकता करो, उसके बाद अपना माल ले जाओ। भाई उनका भी कहना है क्योंकि उन्होंने पैसे पहले दे रखे, आप पहला चुकाओगे नहीं पीछे ले जाओगे, तो वो स्टोर वाले को भाई वो भी तो पैसा लगा के बैठे। अब मैं बात करता हूँ बड़े भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और किसानों को एक जागरूकता हुई संदेश मिलेगा। एक बात आ रही है अब नुकसान की, नुकसान का एक रेशियो चल रहा है कि भयंकर नुकसान है, कोई जो है दोसाई तिसाई के, जैसे कि अभी आपने कहा कि आलू जल्दबाजी में खोद रहे हैं, कोई मक्का करेगा, कोई तरबूज की खेती करेगा, कोई मेहनता करेगा, ऐसी 3-4 फसलें ले लेते हैं साल भर में, फिर उनका जब दिसंबर में अगर आप बोओगे, क्योंकि धान काटने के बाद में जब कभी कभी धान भी लेट हो जाते हैं तब बोते हैं, तो उसमें किर्री गुल्ला तो निकलता है। जैसे कल एक वीडियो आपने देखी होगी, उसमें दावा किया जाता है कि जो तो नुकसान है वो किसान है, और जब मैंने उस किसान से फ़ोन करके पूछा तो बोलो भैया जो चूतिया बना के वीडियो बना लेगा और कुछ काम ना है। देखो ऐसा है, देखो हम भी किसान हैं और आप खेत पर घूम रहे हो, हम किसान हैं और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें मालूम है कि कौन से इस खेत में गुल्ला निकलेगा, इसमें किर्री निकलेगी, उसमें, क्योंकि हमने ये साल भर कमाया है, इसी के ऊपर हम डिपेंड हैं। और ये लोगों के गुमराह करने की बात है, आप जो भी वो है, देखो भाई किसान भाई जो भी आप इस यूट्यूब चैनल को देखते हो, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी बुद्धि विवेक से काम लें। हम अब ये बताओ एक साल इसके पीछे घूमते हैं खेती के,
और आप 10 दिन का भी वो नहीं हो रहा। आप देखो, पहले देखो जो कुछ होगा वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप किसी को आपने वोट दिया इलेक्शन में, तो आपके मन में जिसको वोट दिया है वो आपने जिता दिया, भाई मैंने वोट दिया उसका वो जीतेगा, और सामने वाले ने किसी और को दिया वो जीत गया, वो भी सोचता है। लेकिन आपका जो भी भाग्य है आपका मतपेटी में बंद है, जो भी भाग्य आपका खेत में बंद है, जो भी कुछ सामने आएगा, कोई भी यूट्यूबर ये कहे कि फसल ज़्यादा है, फसल कम है, नुकसान ज़्यादा है, जो भी है वो तुम्हारे सामने 4 से 8 दिन के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। किसी का भी कोई वो नहीं होने वाला है। मेरे साथ में एक और चाचा मौजूद है, राम राम चाचा। राम राम चाचा। अरे आज तो आप यहीं के खेतर में घूमबे आएंगे। हाँ जी। तो कैसी फसल है आपके क्षेत्र में? फसल सही है, अभी तो हरियाली देख के बढ़िया ही लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जो नुकसान वाला और बम्पर पैदावार वाला रेशियो बताया जा रहा है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? वो अंदरूनी मामला है, समय पर खुदाई होगी तब मालूम पड़ेगा कौन सा बम्पर कैसे कहाँ निकल रहा है। अभी जिस खेत में मौजूद हूँ ये कौन सा क्या है? जी ये वो केमो 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 मन है। और ये पास वाला जी है 37-97। तो कौन सा खोद के दिखाएंगे जी? इसको खोद के देख लो। चलिए खोद के देख लेते हैं। किसान भाई आइए, और भैया कोई कौन सा पेड़ खोदेंगे जरा खोद के दिखा दीजिए। के मोहन बताया है। हाँ तो ये इसी को देख लो, दिखाइए। साइज कैसा है? साइज बहुत अच्छा है। और आपके सामने आलू है, आप देख लो। और एक पेड़ है, ये देख लो। एक पेड़ में अभी ट्यूब लग रहे हैं। हाँ। और नंबर ऑफ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 3, 11 और 1, 12। 12 आलू। हाँ। तो चलिए, ये तो जो पेड़ सही था उसके, आप दूसरा पेड़ खोद के दिखा दीजिए जरा, क्योंकि एक जगह से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि फसल कैसी है। और मैं इसी खेत में मौजूद हूँ, अब इन्होंने के मोहन बताया। अब किस जगह पे खोदेंगे आप? कहीं से भी खोद लीजिए आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता है कि खेत आपका है, आप खोद के दिखा दीजिए, चाहे आपको एक ऐसा भी खोद के दिखाएं, वो तो मुझे दिखाना ही दिखाना है। हर जगह यही साइज है, कुल मिला के बात यह है। हाँ देख लो, आपके सामने है कोई, ये तो है नहीं। ये एक ही साइज है। हाँ एक ही साइज। हाँ बिल्कुल। चलिए अब 37-97 दिखा दीजिए, 37-97 भी देख लेते हैं। और 37-97 आपका ITC का है या CPRI का है? CPRI। तो आइए देख लेते हैं किसान साथियों, CPRI। और देखिए आल भी पीली पड़ गई है। अब भैया, अजय भैया, जरा जो आल जल रही है, पीली हो रही है, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ये समय हो गया, 105-106 दिन की फसल हो गई है, तो आल पीली नहीं पड़ेगी, क्या होगा? अब ये कटाई शुरू होने वाली है आल की, अब ये दवाई लगेंगी, अब खुदाई का समय आ गया, अब पीली नहीं पड़ेगी, तो क्या रखी है? इसी को दिखा दिखा के तो नुकसान बता रहे हैं, क्या ये सही है दिखाना? नहीं, यही तो बात है। ये बताओ, 100 दिन से ऊपर जब फसल हो जाती है इसकी, एक मिनिमम वो होता है 90 दिन। देखो जितनी भी वैरायटी आलू है वो 90 दिन में पूरा हो जाता है। और जितनी भी चंबल है आपका, वो 37-97 है, चिप्सोना है और सूर्या है, ये 120 दिन में पूरा हो जाता है। तो आल तो जलनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो समय है भाई, देखिए कितना जल्दी नीचे आइए। देखिए 37-97 की भैया खोद रहे हैं, ये CPRI वाला गोल चाल वाला मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, प्योर 37-97 है। दिखा दीजिए, बस हो गए। हाँ। अब एक नंबर ऑफ ट्यूब गिनिए। ये हो गए 2, 4, 6 और 8। 8। किसान साथियों गौर से देख लीजिए साइज क्या है, ये तो ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बम्पर है। बम्पर 37-97 की आपकी अच्छी पैदावार दिख रही है। हाँ मेरे को तो अच्छी लग रही है, बाकी आगे मालूम पड़ेगा जो कुछ होगा। अच्छा, तो एक जगह और उखाड़ दीजिए, क्योंकि एक जगह से कभी कंपेयर नहीं होता है, दूसरी जगह भी हम देख लेते हैं और क्या क्या वो है। और चाचा जी आइए, क्योंकि बगैर आपके तो कुछ नया होगा। इधर आ जाइए, उधर तो उस रो में तो हमने खोद लिया, यहाँ से कहीं से खोद लीजिए। पुष्कर वगैरह किए हो क्या? नहीं, पुष्कर नहीं करते। पुष्कर नहीं करते। गरिमा ख्याति वगैरह, FL 55 वगैरह नहीं,
नहीं नहीं ये 3797 है और तुम्हारा के मोहन है, और 3797 की 2-3 वैरायटी लगाते हैं, CPRI का है, ITC का है। ये है, ये है। तो कुल मिला के वो दाने उतने ही हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे चाचा? हाँ जो भी निकला वो अच्छा ही निकलेगा। अच्छा ही निकला है। हाँ निकलेगा क्या? निकला है, निकला है। अच्छा तो संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हूँ। अच्छा तो ये तो संतुष्ट हैं। अब भैया क्या कहना चाहेंगे जो नुकसान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 3797 में साइज़ नहीं डेवलप हुआ है? देखो ये तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, खेत इस खेत में कुछ है, उस खेत में कुछ है, अगले वाले खेत में कुछ है, वो तो खेता खेती अंतर होता है। आज का नहीं है तो हमेशा से चला आ रहा है। एक खेत तो पूरी साल आलू के लिए तैयार रहा, एक खेत में 4 फसल ले रहे हो, हम बाजरा ले लिया, धान ले लिया, फिर आलू बो दिया, 3-3 फसल ले रहे हो, तो अंतर तो रहेगा। अंतर रहेगा तो वही अंतर होता है। हाँ वही अंतर है। अगर मैं इस लिहाज से देखूँ जो जिस तरीके से साइज निकल रहा है तो उस लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? नहीं आलू इस लिहाज से तो आलू मेरे हिसाब से इसमें 60-65 का टिका भी निकलेगा। अषाढ़ा खेत है? हाँ बिल्कुल अषाढ़ा खेत। वो तो निकल ही गए। हाँ बिल्कुल। आपने CPRI का पहली बार किया है क्या? हाँ पहली बार किया है। तभी ये गोल राउंड में और चमक वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सभी फसलों को तो आप जैसे किसान जो हैं काफ़ी केयर करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी दी और भैया ने भी बताया अपने खेत में घुमा के, और ये भी हमारे साथ आए थे और देख रहे थे कि सोनू घूम रहा है तो कछु न कछु बात है, यालंग को तो याद ना है लेकिन आए हुआ है तो अब देख लें जी करका रहे हो जाटिया। अब जी देख भी आए तो मालूम पड़ी कि जी तो आलू खोद खोद के देख रहे हो, ये तो है पूरे क्षेत्र में लगभग 12-14 गांव तो घूम लिए होंगे। हाँ आराम से घूम लिया। कोई नुकसान वगैरह? हाँ नुकसान तो ये तो समय टाइम पूरा हो गया। हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि समय जो है आल का पूरा हो चुका है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आलू के जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक सही है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खुदाई में अब महज 10 दिन का समय शेष रहेगा है। नौ बार कितने, कोई भी अगर ये कह रहा है नुकसान है बिल्कुल मत मानिए, कोई ये कह रहा है कि बम्पर पैदावार है बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको ज़मीनी हकीकत, इतना निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठोक के कह रहा हूँ पैदावार सही है, इस वर्ष आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे, बशर्ते आप लोग हैं वो कर सकें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, निर्यात वाली बात भी सामने आ रही है, 700 टन आलू निर्यात की बांग्लादेश ने इच्छा जताई है, सरकार को अब फैसला लेना है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, मेरे सामने चल रहा होगा, देख लीजिए 700 टन बांग्लादेश ने इच्छा जताई है, लेकिन कब तक जाएगा ये बहुत वो ऐसी बात है, लेकिन नुकसान क्षेत्र पर कुछ भी नहीं है। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।